वाराणसी का प्रसिद्ध श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। चंदौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण में प्रभावित निजी भूमि का चिन्हांकन का कार्य हुआ पूर्ण। शीघ्र ही प्रत्येक भूमि में बैठक कर मुआवजा देकर कार्य होगा प्रारंभ। सारा कार्य नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से पूरा होगा। जहंदू महापूर पुंड द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। खबर चंदौली से, जिलाधिकारी चंदौली निखिल फुने ने बताया कि चंदौली सकलडीहा सैदपुर मुख्य सड़क को फोरलेन में परिवर्तन कर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त सड़क के चौड़ीकरण कार्य में कुल प्रभावित भूमों की संख्या 38 है। इन भूमों में सड़क के प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व विभाग सकलडीहा एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त द्वारा पैमाइश की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि संयुक्त पैमाइश में यह पाया गया कि कुल 29 भूमि में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर्याप्त है, जिसमें किसी किसान या ग्राम सभा की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। शेष 9 भूमि क्रमशः फगुइंग, नागेपुर, तिमिलपुर, तेंदुई, खडेहरा, खंडवारी, मजलेपुर, नदेसर, मारूफपुर ग्रामों के खतौनी के अनुसार कुल 128 गाटा एवं लगभग कुल 1425 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं। उक्त सड़क के चौड़ीकरण कार्यों में जितने भी गाटा एवं खातेदार प्रभावित हो रहे हैं, उनका अंश निर्धारण का कार्य किया जा चुका है तथा शीघ्र ही मूल्यांकन दर निर्धारित करते हुए शासन आदेश के अनुसार समस्त प्रभावित काश्तकारों के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी का स्ट्रक्चर, मकान, दुकान बना है तो उसका भी उचित मुआवजा दिया जाएगा, बशर्ते वो जमीन निजी काश्तकार या निजी व्यक्ति की होनी चाहिए। इस संबंध में आगामी सप्ताह में द्वारा प्रभावित लोगों के साथ बैठक की जाएगी। बाइट जिलाधिकारी महोदय का, चंदौली से ब्यूरो नासिर अली की रिपोर्ट। द्वारा संवाद किया जा रहा है कि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इस संबंध में आप लोगों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? देखिए, जो चंदौली से सकलडीहा होते हुए सैदपुर मार्ग है, उसकी कार्यवाही PWD द्वारा की जा रही है। उसमें अधिकांश मार्ग का जो पोर्शन है वो PWD की जमीन है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर निजी काश्तकार है और कुछ लोगों का मकान बने हुए हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का कार्य अभी, जैसे हम लोगों ने मीटिंग ली तो ये पता चला है कि पूर्ण हो चुका है। सभी का अंश निर्धारण भी हो चुका है। जिन जिन लोगों के उस पर मकान है या दुकान है या किसी प्रकार के अन्य कोई परिसंपत्ति उस पर बनी हुई है, तो उसका भी चिन्हांकन हो चुका है। और जो मुआवजा है उसके लिए एक मीटिंग अभी हमारे ADM साहब, SDM साहबान लोग सभी काश्तकारों से करेंगे। उसके बाद उनको उचित मुआवजा जो बनता है वो मिलेगा। अगर किसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि मकान या दुकान, उसका भी मुआवजा गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, बशर्ते वो ज़मीन निजी काश्तकार की या निजी व्यक्ति की होनी चाहिए। और इसमें लगातार हम लोगों ने बहुत ही एक पारदर्शिता से काम किया है, बहुत तेज़ी से काम भी किया हुआ है। जो भी व्यक्ति है उनको मुआवजा मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति इसमें अनावश्यक रूप से कोई भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश करें या किसी प्रकार से इसको राजनीतिक रूप देने का कोशिश करें तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें। कई जगह डीह की जमीन, जिसे ग्राम सभा के लोग बसे हुए हैं, तो उनके मन में है कि क्या हमको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मैंने जैसे बताया कि निजी हक होना चाहिए व्यक्ति का जमीन पर, और अगर कोई टिपिकल केस है उसको हम लोग जरूर देखेंगे। डीह की जमीन हो, आबादी की जमीन हो, उसमें अगर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, विधिवत रूप से कुछ लोगों के पट्टे भी हुए हैं, उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा। और जो भी नियम में होगा, जो भी कानून में होगा, उसको डेफिनेटली हम लोग इंश्योर करेंगे कि उचित मुआवजा मिलेगा।